मौके पर रक्तदाता ग्रुप और ब्लड प्लस के द्वारा इसका आयोजन हुआ। रक्तदाता ग्रुप के द्वारा जहां होटल वाटिका में, वहीं ब्लड प्लस के द्वारा मिथिला वाटिका में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पुरुषों और महिलाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर ही रक्तदान करने के बाद संस्था के द्वारा ब्लड डोनर को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चूंकि रक्तदान शिविर का आयोजन कोरोना काल में किया गया है, इसलिए संस्था के द्वारा सुरक्षा के भी उपाय किए गए। वहीं राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने लगे हुए दोनों रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने वाले लोगों का हौसला अफजाई किया। आज हम लोग विशाल रक्तदान केंद्र में यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो देख रहे हैं कि पहले के अपेक्षा निश्चित तौर पर सौंप करने में हमेशा समय लगता है। अब देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा उसके समाधान सतर्क हो चुका है। अपेक्षा है आज ही मैक्सिमम ये पूरा करने से, अगर हम चाहते थे और इच्छा थे कि पूरे जिले से एक साथ नहीं होता तो 500 की तादाद में बढ़ जाता और पूरे बिहार में ये नंबर आता मधुबनी। क्योंकि हम देखते हैं कि रात्रि में चाहे सब सारे लोग इस पर नहीं सपोर्टिव है, अच्छा लगता है मधुबनी शहर के जितने लोग हैं, सारे लोग हैं, परिवार के साथ हैं। एक अपेक्षा है कि नहीं, एक डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट हो और करने वाले का भी हौसला बढ़े और जो लोग ब्लड देने के लिए आ रहे हैं पहली बार, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। क्योंकि पहली बार देने में उन्हें थोड़ा सा ये फील होता है कि पता नहीं ब्लड देने का ये हमारा क्या रहेगा नहीं रहेगा। पहली बार देने के बाद उनमें अपने आप में लगेगा कि नहीं, प्रत्येक साल हम दें। हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से पूरे बिहार में मैसेज जाए कि मधुबनी में एक नई क्रांति आएगी। अपना परिचय बताइए। मैं राजू इंजीनियर, मैथमेटिक्स ऑपरेशन के डायरेक्टर। जैसा देख रहे हैं कि आप रक्तदाता ग्रुप के द्वारा जो रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है जी, उसमें आप आए रक्तदान करने जी, अपने आए हैं और साथ में दो तीन गो चेला भी लाए हैं और पापा भी आए हैं। इससे पहले भी आप रक्तदान? नहीं नहीं, ये मेरा पहला टाइम है। क्या लग रहा है आपको, कोई डर? नहीं नहीं, हमको कोई डर नहीं लग रहा है। हम तो दे दिए अभी जस्ट, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था, हाथ छोड़ दिए तो ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो आप रक्तदान कर चुके हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग भी आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए और रक्तदान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान महादान है। क्या नाम है आपका?